हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो और टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल थिकनिंग के बारे में। प्लूरल थिकनिंग क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि चेस्ट एक्सरे के अंदर प्लूरल थिकनिंग किस तरीके से आपको दिखाई देती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर चेस्ट एक्सरे की एक सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने आपको कैराइना के बारे में, ट्रेकियल डेविएशन के बारे में, हाइलम के बारे में, प्लूरल एफ्यूजन के बारे में, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल के बारे में बता चुके हैं। तो अगर इन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर हमने लिंक दे रखा है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से जाके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल थिकनिंग के बारे में। तो दोस्तों, प्लूरल थिकनिंग के बारे में आपको बताऊँ, उससे पहले हम समझते हैं कि प्लूरा क्या होती है। जो हमारी लंग्स होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ये हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो प्लूरा होती है वो दो लेयर में होती है। तो जो बाहरी लेयर होती है जिसको हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, और जो अंदरूनी लेयर होती है उसको हम विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्लूरल थिकनिंग में होता क्या है कि ये लेयर सख्त और मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे फेफड़ों पर, हमारे लंग्स पर दबाव आता है, और जो हमारे लंग का एरिया है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपके लंग का जो एरिया है या वॉल्यूम आप जिसको कहते हैं वो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो हमारी प्लूरल थिकनिंग होती है वो किन किन वजहों से हो सकती है। देखिए, अगर इस प्लूरा का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन इस प्लूरा में हो, साथ ही अगर इस प्लूरल कैविटी में ब्लड आ जाए या आपकी एयर भर जाए, इसको हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं, तो इन कारणों की वजह से आपकी प्लूरल थिकनिंग होती है। साथ में सिलिकोसिस की वजह से भी प्लूरल थिकनिंग हो सकती है। जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट अगर वो रेगुलरली इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको प्लूरल थिकनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही कैंसरस कंडीशन में भी, जिस तरीके से जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो कैंसर होता है जिसमें मीजोथेलीमिया मोस्ट कॉमन है, साथ ही आपका प्लूरल लिम्फोमा, तो इन कारणों की वजह से भी आपको प्लूरल थिकनिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चेस्ट एक्सरे में आपको प्लूरल थिकनिंग किस तरीके से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। इस इमेज में आपको देख रहे होंगे आप कि जो राइट साइड है वहाँ पर आपको यूनिलैटरल प्लूरल थिकनिंग देखने को मिल रही है। जो शेडोज़ आप देख पा रहे हैं एक्सरे पे, वो सर्कम्फरेंशियल थिकनिंग है प्लूरा की राइट साइड। तो आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड प्लूरल थिकनिंग की वजह से किस तरीके से जो लंग का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की प्लूरल थिकनिंग के बारे में, साथ ही आपको बताया प्लूरल थिकनिंग के कॉजेज़ के बारे में, और साथ ही आपको बताया कि प्लूरल थिकनिंग किस तरीके से चेस्ट एक्सरे में देखी जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।